तो गाइज इंडियन बाइक ड्रोन 3D गेम में जो हमारा पुलिस स्टेशन है ना गाइज, वो एक दिन अचानक से अपने जमीन के अंदर चला जाता है और उसके बाद जब वो अचानक से बाहर निकलता है तो उसके बाद वो बन जाता है पुलिस मॉन्स्टर और इसके पैर भी बहुत ज्यादा बाहर आ जाते हैं। और ये अचानक से पुलिस मॉन्स्टर कैसे बना हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और फ्रैंकलिन के पीछे ये पुलिस मॉन्स्टर क्यों पड़ा और पुलिस वालों को ये मॉन्स्टर क्यों मार रहा है आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और गाइज फ्रैंकलिन को यहाँ पे मकड़ा क्यों बनना पड़ा इस वीडियो में हम लोग इसको भी जानेंगे। क्या फ्रैंकलिन इस मकड़े को हरा पाएगा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। तो हेलो गाइज, मैं बाहर जैसे घर के निकला देखा कि यहाँ मेरे घर के पास हाथी आ चुके हैं और उन्होंने इस पुलिस वैन को भी और इन्होंने स्कूल वैन को भी तोड़ दिया। गाइज आप लोग देख सकते हो। अब इनका क्या करूं क्या बताऊं गाइज, इन्होंने ना मुझे बहुत परेशान कर रखा है। गाइज ये जंगल से ना बार बार मेरे घर के पास आ रहे हैं और मैं इनको मार भी नहीं सकता। तो चलो गाइज घर के बाहर चलते हैं। अबे गाइज ये क्या है भाई साहब, घर के बाहर इतने स्टैक स्नैक मॉन्स्टर, ये क्या कर रहे हैं भाई? ये कहीं मेरा घर तबाह नहीं तो करने आए हैं भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ये हिल भी नहीं रहे यार गाइज। भाई ये देखो, इन्होंने तलवार भी ले रखी है लेकिन ये मेरे घर के सामने कर क्या रहे हैं गाइज? ऐसा लग रहा है ना गाइज कि ये मेरे घर पे अटैक करने वाले हैं। भाई क्या हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये खुलेआम सब पे अटैक कर रहे हैं गाइज, ये देखो कितने सारे मॉन्स्टर हैं। ये पहले अटैक करे गाइज, इनके ऊपर मैं स्टिकी बॉम्ब लगा देता हूँ और इनको उड़ा देता हूँ। पता नहीं है गाइज ये क्यों हिल नहीं रहे हैं, लगता है मर चुके हैं पहले से ही। चलो गाइज इन पे फायर करके देखते हैं क्या ये लोग मुझ पे अटैक करेंगे। तो फायर करते गाइज, अबे गाइज इतना सादा फायर करने पे भी ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लगता है मर चुके हैं ये। भाई इनको क्या हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मैं इन पे बहुत सारा स्टिकी बॉम्ब लगाया है। अबे गाइज ये मरे ही नहीं, ये देखो और कोई भी नहीं मरा गाइज, ये देखो। तो मैं चलता हूँ गाइज जल्दी से पुलिस स्टेशन, देखते हैं क्या पुलिस वाले बताते हैं गाइज। तो मुझे ना गाइज पुलिस वालों को बताना पड़ेगा कि मेरे घर पे अटैक करने आ चुके हैं पुलिस स्नैक मॉन्स्टर और ये हिल भी नहीं रहे गाइज, पता नहीं इनने क्या कोई काला जादू कर दिया है। और मैं पुलिस स्टेशन आ चुका हूँ गाइज। अबे गाइज ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, पुलिस स्टेशन मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। ये देखो भाई पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी नहीं है, ये देखो मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। अरे भाई ये क्या है, पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन अंदर चला गया गाइज, ये वापस आ गया। अबे गाइज इसकी आंखें भी हैं। अरे भाई साहब इसके इतने सारे पैर। गाइज ये मॉन्स्टर बन चुका है ये पुलिस स्टेशन, ये इतना खतरनाक मॉन्स्टर कैसे बना? अरे भागो गाइज ये मेरे पीछे पड़ गया यार। भाई लिटरली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, भागो यार जल्दी। गाइज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये पुलिस वाले के गाइज ये पुलिस मॉन्स्टर मेरे पीछे क्यों पड़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। गाइज रुको मुझे बहुत तेज भागना पड़ेगा। अरे चला गया क्या भाई, एक मिनट ये तो चला गया भाई, वो जमीन के अंदर चला गया यार। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, मेरे शहर में ये क्या हो रहा है यार। एक तो वो स्नेक मॉन्स्टर मेरा घर तबाह करने के लिए आ गए और ऊपर से ये पुलिस मॉन्स्टर भी मेरे पीछे पड़ गया यार, ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई उसके इतने सारे पैर थे, मैं डर गया था यार, मैं क्या करूं, मैं अपने नए वाले घर तो जाऊंगा नहीं। एक काम करता हूं, मैं जाने वाला हूं अपने पुराने घर पे। एक काम करता हूं गाइज मैं यहीं पे सो जाऊंगा आज। और गाइज पुलिस वाले बन चुके हैं मॉन्स्टर, मेरे शहर में क्या हो रहा है गाइज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ये वाला घर मुझे सेफ लग रहा है गाइज, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, मैं अपने पुराने घर पे नहीं रहूँगा। अरे गाइज आवाज़ आ रही है बहुत तेज तेज, भाई आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले पिट रहे हैं बहुत तेज तेज। चलो आगे देखते हैं। अरे गाइज ये क्या है, अबे भाई साहब ये क्या है, लिटरली भाई ये पुलिस मॉन्स्टर है, इधर क्या कर रहा है गाइज? और आप देखो ये नीचे किसी आदमी को मार रहा है यार, अरे बाप रे बाप। और ये पुलिस वाले को भी मार रहा है गाइज, बाप रे बाप ये कितना खतरनाक है, ये पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है यार। और इसने पूरी की पूरी पुलिस गाड़ी को ही तबाह कर दिया यार। ओ भाई साहब ये देखो, इसने पूरी गाड़ी को ही उठा के फेंक दिया। और ये देखो गाइज ये कहाँ जा रहा है, अरे भाई साहब ये तो भाग गया यार, ये पुलिस वालों को मार के भाग चुका है गाइज। और अभी मुझे इसको पीछा करना पड़ेगा यार, मुझे पता तो चले कि ये कहाँ जा रहा है। ये पुलिस वालों को भी मार रहा है गाइज, मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, अब किसको मारने वाला है। मुझे ना गाइज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। भाई वो मॉन्स्टर ना पुलिस वाले को खा लिया है गाइज पूरा का पूरा, क्योंकि वो एक पुलिस मॉन्स्टर बन चुका है गाइज। और जितने के जितने वो पुलिस के अंदर थे ना गाइज, उनको सारे लोगों को खा लिया है वो।
और अभी आपने देखा ना कि पुलिस वाले के साथ एक और आदमी को मार रहा था वो, और मुझे लगता है कि सिटी के सारे लोगों को वो खा लिया है गाइज। और कोई भी यहाँ पे सिटी का कोई भी मेंबर नहीं दिख रहा है गाइज, मुझे ना आरजे स्टूल की मदद लेनी पड़ेगी गाइज। और देखते हैं गाइज कि हमारी आरजे स्टूल मदद करता है कि नहीं। और मैं आरजे स्टूल में लिखता हूँ हेल्प। अबे गाइज ये क्या दिखा रहा है मुझे भाई, ये तो कोई फैक्ट्री है। हाँ फैक्ट्री दिखा रहा है भाई, फैक्ट्री के अंदर क्या होने वाली है। ओ भाई साहब ये देखो, यहाँ पे सारे के सारे पुलिस वाले डर के मारे छुपे हुए हैं। ये बहुत ज्यादा दुखी है गाइज, क्योंकि इनके आधे साथी को ना वो पुलिस मॉन्स्टर मार चुका है, और ये डर के मारे ना गाइज फैक्ट्री में छुपे पड़े हैं। और गाइज मैं इनके पास आ चुका हूँ फैक्ट्री में मिलने के लिए, मुझे पता चल सके कि वो पुलिस मॉन्स्टर कैसे बना और उस मॉन्स्टर को मुझे कैसे हराना है। अरे गाइज ये गाड़ी वाला ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है, साले ने मेरी गाड़ी में ठोक दिया, बीच सड़क में ना ब्रेक मार के रखा हुआ है। एक काम करते हैं गाइस, इसकी गाड़ी को छीन लेते हैं, ये साला दिमाग खराब करके रखा है, चल निकल बाहर यहाँ से। और गाइस इस गाड़ी की हमें जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो सारे लोग फैक्ट्री के अंदर दुबके पड़े हुए हैं। मुझे ना गाइस जल्दी से उस फैक्ट्री के पास जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि मुझे उस मॉन्स्टर को कैसे हराना है, और मुझे उन पुलिस वालों को भी बचाना पड़ेगा। और ये देखो गाइज इसी फैक्ट्री के अंदर वो पुलिस वाले पड़े हैं। गाइज ये दरवाजा खोलने नहीं वाले हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर लॉक कर रखा है। अरे पुलिस वालों दरवाजा खोलो। अरे गाइज मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि दरवाजा तो लॉक है और अंदर आवाज जाएगी नहीं, क्योंकि ये लोहे का दरवाजा है। और गाइज मुझे एक ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा, आपको तो पता है कि मैं गाड़ी का इस्तेमाल करके इसके अंदर जा सकता हूँ। और ना गाइज मैं गाड़ी को यहाँ पे चिपका के लगा लेता हूँ और इसके अंदर चला जाता हूँ, और मैं ना पुलिस वालों से मिल भी लूँगा। और मैंने गाइज यहाँ पे गाड़ी लगा लिया है, और यहाँ से एग्जिट करता हूँ और देखता हूँ कि मैं पुलिस वालों के पास जाता हूँ कि नहीं। और लिटरली गाइज मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ, चलो जल्दी से पुलिस वालों से बात करते। और ये देखो गाइज यहाँ पे सारे के सारे पुलिस वाले दिख रहे हैं आपको, क्या यहाँ पे कोई फोन से बात कर रहा है कि मॉन्स्टर को कैसे हराना है। अरे गाइज मैं इनसे कैसे बात करूं? अरे हेलो ऑफिसर तुम सुनो। अरे हेलो ऑफिसर, गाइज ये बहुत सारा दुखी लग रहा है। अरे हेलो ऑफिसर मैं फ्रैंकलिन हूँ, मेरे पास जल्दी आओ। अरे फ्रैंकलिन आ गया क्या? अरे बेटा रुको आता हूँ, जल्दी आता हूँ। अरे आपको क्या हो गया, आप फैक्ट्री में क्यों दुबके पड़े हुए हो? अरे फ्रैंकलिन तुझे पता नहीं है क्या? अरे मुझे पता है पुलिस मॉन्स्टर आ चुका है, उसे हराना कैसे है मुझे ये बताओ। अरे फ्रैंकलिन अगर तुझे उसे हराना है तो तुझे भी उस मॉन्स्टर के जैसे एक मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। क्या मुझे भी उसके मॉन्स्टर जैसा बनना पड़ेगा? हाँ फ्रैंकलिन, और फ्रैंकलिन अगर तुझे मॉन्स्टर बनना है तो तुझे एक टॉनिक की जरूरत पड़ेगी, जो टॉनिक बहुत ऊपर रखा हुआ है, अगर तू उस टॉनिक को पी लेता है तो तू एक मॉन्स्टर बन जाएगा। ठीक है ऑफिसर, अगर ऐसी बात है ना तो मैं उस टॉनिक को लेकर आता हूँ। तो चलो गाइस जल्दी से चलते हैं, हम लोग उस टॉनिक को लेकर आते हैं। तो चलो गाइस जल्दी से उस टॉनिक को लोकेशन को देख लेते हैं कि वो हमें कहाँ पर मिलने वाला है। अबे गाइस ये कहाँ पे दिखा रहे? ओ भाई साहब ये तो बिल्डिंग के टॉप पे एक हाउस पे पड़ा हुआ है। ओ भाई, और ये वही टॉनिक है गाइज, अगर कोई भी इसको पी ले तो वो बन जाएगा ब्लू मॉन्स्टर। गाइज इस कोई भी पी ले ना बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, तो मुझे इसकी लोकेशन पता चल गई है, तो जल्दी से इसके पास चलते हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं है गाइज, ये पास में ही है, तो चलो गाइज जल्दी से अपनी बाइक को उठाते हैं और फटाफट से उसके पास चलते हैं। तो चलो गाइज हेलमेट लगा के इस चैलेंज को पूरा करते हैं, मैं पहुँचने वाला ही हूँ उसके पास। तो जल्दी से चलते हैं गाइज और उस टॉनिक को पी लेते हैं, और फिर पीने के बाद मैं उस पुलिस मॉन्स्टर की बैंड बजा दूंगा गाइज। तो फटाफट से चलते गाइज, यहाँ से मैं सीधा जाऊंगा और एक जंप लगाऊंगा और मैं पहुंच जाऊंगा उस टॉनिक के पास। तो फाइनली गाइज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और ये रहा ब्लू कलर का टॉनिक। और भाई साहब ये ब्लू कलर का टॉनिक देखने के बाद मेरे मुँह में पानी आ रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे कब पी लूँ गाइज। और जैसे ही मैं पीऊँगा गाइज मैं बन जाऊंगा एक खतरनाक मॉन्स्टर, और फिर मैं उस पुलिस मॉन्स्टर की बैंड बजा दूंगा। तो चलो गाइज इसको पीने की बारी आ चुकी है, अब इसकी पीने की बारी आ चुकी है गाइज, मैं नीचे आ चुका हूँ, तो चलो जल्दी से इसको पीते हैं। अरे भाई ये तो बहुत कड़वा है यार। छी गाइज बहुत कड़वा है। अबे क्या हो रहा है मुझे भाई, मेरे शरीर कांप रहा है, मुझे तो नशा हो रहा है। अबे क्या हो रहा है भाई। अबे गाइज ये देखो मैं बन चुका हूँ एक स्पाइडर मॉन्स्टर। गाइज मुझे भी उसी के तरह बना दिया गाइज, मेरे बॉडी पार्ट भी उसके जैसा ही बना दिया, अब क्या ही कर सकते हैं गाइज। चलो जल्दी से सामने उसको ढूंढते हैं। अबे गाइज मेरे सामने एक बिल्डिंग आ रही है, इसे तोड़ दूं क्या करूं? तो चलो गाइज मैं इसे तोड़ ही देता हूं।
अबे हट बे, मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मुझे मारना है एक पुलिस मॉन्स्टर को। भाई मुझे दिख नहीं रहे हो, अबे सामने क्या है? अरे भाई साहब ये रहा पुलिस मॉन्स्टर। अरे भाई ये क्या कर रहा है यार? ये काफी गुस्से में गाइस, आने दो, इसका तो मैं बैंड बजा दूंगा यार। ये देखो गाइस ये आ रहा है, ये काफी गुस्से में लग रहा है, देखते हैं क्या बोलता है गाइस, इसको आने दो। आजा बेटा आजा, इस बार तो मैं तेरी बैंड बजाऊंगा। ये देखो गाइस मैं इससे काफी बड़ा हूँ लिटरली। हाँ भाई ये बात बता, तू जाएगा कि नहीं जाएगा? पूरे शहर को परेशान कर रखा है। और एक बात बता, तुझे टॉनिक किसने पिलाई, जल्दी से बता। अबे तू गूंगा है क्या, बोल भी नहीं रहा? अरे बोलना यार बोल, तुझे क्या हो गया? गाइस रुको मैं इसे दो चाटे मारता हूँ। अबे मॉन्स्टर तू मुझे क्या मारेगा, मैं हूँ एक पुलिस मॉन्स्टर, मैं तुझे तबाह कर दूंगा। तू मुझे मारेगा? रुक ये ले गाइस, एक ही चाटे में देखो कहाँ गिर गया। ये ले बेटा, अब मैं तुझे जमीन में ही गाड़ दूंगा। ये ले बेटा, अभी तो तू आधा ही गड़ा है। ये ले बेटा गाइस, फाइनली मैंने इसको मार दिया, मुझसे पंगा ले रहा था ये। ये देखो गाइस फ्रैंकलिन कितना खुश हो रहा है, अब ये खुश भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी मुंडी ही बची है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना। तो बाय बाय गाइस।